सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फिलहाल ना मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था अपना राइडर मेनिया 2022 का, जो कि दो साल बाद हो रहा है। लास्ट जो 2019 में हुआ था, और कोरोना का जैसे कोविड की वजह से 2020-21 में नहीं हो पाया था। तो इस बार हो रहा है हमारा, जो हमारे राइडर्स होते हैं ना, जो जानते हैं कि राइडर मेनिया क्या है, तो उसका एक इवेंट होने वाला है दोबारा से गोवा में नवंबर में, शायद 18-19 नवंबर को स्टार्ट होने वाले। तो दो दिन का इवेंट रहेगा, उसके लिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहा था। तो इस बार ना तुम्हारा भाई जाने वाला है गोवा ट्रिप में, वो भी एक एडवेंचर, मतलब एडवेंचर के साथ एक्सट्रीम ऑफ रोड, सब कुछ, मतलब जो गोवा के अंदर होता है ना राइडर मेनिया में, तो उसके इवेंट को अटेंड करने के लिए जाएगा। तो कोई ज्वाइन करना चाहता तो मुझे डीएम कर सकता है, और साथ में हम ज्वाइन करके हम यहाँ से, यानी हल्द्वानी से जा सकते हैं, गोवा तक का सफर कर सकते हैं। फिलहाल तो आज सैटरडे है, और सैटरडे को मैं फिलहाल अभी अपने शॉप को जा रहा हूँ। शॉप को जाने के बाद उसके बाद कुछ प्लान करेंगे आज कहीं घूमने का, और साथ में ना आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि बताने का कि मेरा जो लद्दाख ट्रिप था ना, लद्दाख ट्रिप कितने बजट में मैंने अपना कंप्लीट करा था। क्योंकि जो मेरा लद्दाख ट्रिप था वो लगभग एक महीने 4 दिन का ट्रिप था, जिसमें हमने लद्दाख के बहुत सारी जगहों में घूमे थे और कैंप वगैरह सब कुछ लगाया था। अमृतसर गए थे, 3 दिन अमृतसर रहे, जम्मू रहे, कश्मीर रहे। तो उसका सारा एक मैं आपको एक टोटल ब्रीफिंग दूंगा कि किस तरीके से हमने अपना ट्रिप बहुत अच्छे बजट में करा था। कोशिश करूंगा कि उसको ब्रीफ करके आपको बताने की। फिलहाल तो मैं अभी अपने घर पे हूँ, और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मैं अपने शॉप के लिए। तो मिलते हैं आगे अपने शॉप पे। फिलहाल तो मैं अपने नानी का जा रहा हूँ, घर से निकल गया था और अभी अपने नानी का जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ ना एक हमारी जो गाय है, मतलब नानी की जो गाय है, वो उसने अभी बच्चा दिया है, तो उसका जो दूध होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है, बिगौत कहते हैं हमारे पहाड़ी में। तो अभी वो पीने के लिए जा रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर जाऊँगा अपनी दुकान को। और आज मौसम इतना प्यारा होना ना, बारिश वाला मौसम, सुबह से बारिश है, कल रात से बारिश है, और बारिश रुक भी नहीं रही है। कल शायद 6-7 बजे से शायद शाम को बारिश हो गई थी, तेज, बहुत तेज हुई थी, उसके बाद रात भर ही बारिश है और अभी तक रुकी नहीं है। तो भाई मेरा मन तो आज घूमने का, आज दुकान खोलने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें यार, मजबूरी है, बिना दुकानदारी के तो ये नहीं आएगा, और ये नहीं आएगा तो हम घूम नहीं पाएंगे। हमारा जो ट्रैवल है, ट्रैवल बजट सारा मेरे दुकान से आता है, तो वहाँ भी ध्यान देना ज़रूरी है। और मेरे दुकान में ना आप बहुत सारे बर्थडे आइटम्स, मतलब बर्थडे डेकोरेशन के आइटम ले सकते हो। अगर आपको चाहिए ना तो आप मुखानी पे आके मेरी दुकान से ले सकते हैं, अगर हल्द्वानी में आप रहते हैं। और अगर आप हल्द्वानी नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, ऑल इंडिया कहीं भी रहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी पे मेरा कांटेक्ट डिटेल है, तो आप वहाँ जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। जो भी आपको आइटम चाहिए डेकोरेशन से रिलेटेड आप मुझे बता देंगे, तो आपको मैं बहुत सही, मतलब मार्केट से सस्ते रेट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा ऑल इंडिया कहीं भी। अगर आप कहीं भी रहते हैं ऑल इंडिया में आपको सर्विस दे दूंगा, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और फिलहाल तुम चलो नानी के वहाँ, उसके बाद वहां से दुकान को चलते हैं अपने। फिलहाल मैं आ गया अपने नानी के वहाँ, और जल्दी से यहाँ दूध पीते हैं और उसको चलते हैं अपने शॉप की तरफ। नानी नमस्कार, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। कैसे बता तुझे? अच्छा, मैं ऐसे करूँगा तो मतलब व्लॉग बना रहा हूँ। तो ना अब मैं तो नानी के घर से मैं वापस आ गया हूँ, और दूध वगैरह पी लिया, थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया। एक्चुअली क्या हुआ ना, नानी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब रहती है आजकल, क्योंकि एज भी बहुत हो गई नानी की, तो नानी आजकल खाना नहीं खा रही है, मतलब आज खाना नहीं खाया, दवाई नहीं लिया, तो थोड़ा सा ना मूड ख़राब हो जाता है। क्योंकि नानी से हमारा अटैचमेंट, हमारे पूरे परिवार का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, सब लोग, मतलब ना नानी को एक होता है ना घर का सबसे बड़ा मेम्बर, जिसकी आप सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। तो अभी उनकी नानी की तबीयत आजकल थोड़ा ख़राब रहती, तो इस चक्कर से अभी नानी ने आज खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी, क्योंकि यार एक एज के बाद ना आदमी का शरीर बहुत डाउन हो जाता है और ताकत नहीं रहती शरीर में, और क्या कहूँ मैं, मतलब थोड़ा सा बुरा लग रहा है इस बात के लिए, क्योंकि नानी की एज भी बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा अपसेट हो गया था यार, मतलब बहुत बुरा लग जाता है मुझे कभी कभी। शॉप में मैं आ गया अपने शॉप में, पूजा वगैरह मैंने कर ली है, और आज ना मेरा एक छोटा सा प्लान बन रहा है, तो मेरा बन रहा है कि आईफोन 14 भी लॉन्च हो गया, तो आईफोन 14 को एक बार देख ले जाए, और हो सके तो एक बार लेने के लिए प्लान बन तो रहा है, लेकिन
क्या पता प्लान कैसा है क्या है कुछ नहीं पता अभी, पहले जाके फ़ोन देखते हैं कितने चेंजेस हैं, कितने अपग्रेड है, क्या क्या मतलब मेरे को 13 प्रो और 13 में कितना अंतर आ रहा है वो एक बार चेक करना है। तो एक बार आज मैं जाता हूँ आईफोन के शोरूम पे और वहाँ जाके ना आज आईफोन लेने का प्लान बनाते हैं। तो मैं सोचा कि प्लान ये कर रहा हूँ कि 14 के तरफ जाया जाए, लेकिन पहले ये देखा जाए कि कितना डिफरेंस आ रहा है और कितना एक्चुअल में सामने से प्रेजेंट करने में कितना चेंजेस हैं, क्योंकि अभी मैं 13 प्रो यूज़ कर रहा हूँ और ये इसकी क्वालिटी तो भाई एक नंबर है। इसकी क्वालिटी को बीट करना तो अभी किसी फ़ोन का नहीं है, सिर्फ 14 ही कर सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। तो जाके देखते हैं आज आईफोन के शोरूम में जाके 14 का एक बार कोशिश करते हैं, मतलब 14 नहीं 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स दोनों लेने का। तो देखिए लास्ट से क्या था, आईफोन 14 घर पे आ रहा है नया। तो भैया चलते हैं अब यहाँ से। तो भाई खाना पीना हो गया, लंच मेरा हो गया, तो भाई अब हम जा रहे हैं आगे आपका आईक्रस में, और आईक्रस में जाके आज का हमारा जो आईफोन 14 है ना वो देखने के लिए जा रहे हैं। क्या पता आज फोन ले ले, भाई भी आ गया। तो अभी मैं भाई की गाड़ी में हूँ, मतलब मेरे जो मामा का लड़का है उसकी विक्की के, ये तो इसने पॉपअप कर दिया, अपनी गाड़ी लेके नहीं जा रहा है और मेरी गाड़ी में लेके चलने के लिए कह रहा है। तो चलते हैं अपनी गाड़ी में। और बंद कर दिया। हेलो सर, हाउ आर यू? आज भाई को हम आईफोन 13 प्रो की जगह 14 प्रो दिला रहे हैं। कौन सा? 14 प्रो। 14 प्रो? हाँ। आज क्यों है, आज लॉन्च के दिन ही? अरे पैसा बहुत है भाई के पास। व्लॉग में भी आ रहे हो तुम आज हमारे, तो बोलो ना नोमैडिक तुषार को सब्सक्राइब करने का। बोलो यार ऐसे कैसे नहीं पाएगा, नोमैडिक तुषार को सब्सक्राइब करो। नोमैडिक तुषार को? नोमैडिक तुषार को? अच्छा, नोमैडिक तुषार को सब्सक्राइब करो। करो भाई करो। क्या भाई आईफोन आ रहा है तेरा? नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या कर रहा है इस बार, क्या गिरवी रखा तूने? कौन सा वाला? तो भाई आईफोन का क्रेज इतना होता है ना, लोग अपनी किडनी, मैं तो अपनी किडनी देने जा रहा हूँ और ये अपना प्लॉट बिक्री करके आ रहा है। तो अरे So finally पहुंच गए हम आईक्रस्ट, और ये रहा सामने आईक्रस्ट। चलो भाई अंदर चलते हैं। तो अभी मैं 13 प्रो और 14 प्रो से दोनों से शूट कर रहा हूँ, दोनों की क्वालिटी में ना थोड़ा सा ब्राइटनेस का अंतर है और दोनों मैंने एक्सपोजर तो दोनों का सेम रखा 1.3 1.3, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है 14 प्रो की और 14 की ज़्यादा अंतर समझ नहीं आ रहा। और बाहर देखेंगे तो बाहर में भी आपको 14 प्रो की क्वालिटी में थोड़ा सा क्वालिटी का डिफरेंस रहेगा। पेमेंट का कितना पुराना है? अभी 5-6 महीने हो रहा है। हाँ, तो कितना प्राइस क्या पता चलेगा? फोन पर देखे कितना पुराना है, उसमें कितनी जीबी का है। मतलब हम यहाँ, मतलब हमारे पास रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो यार? इतना तो बता ही सकते हैं यार, क्यों बता सकते हैं ना, आप सर्विस सेंटर जाओ वहाँ रिकॉर्ड करो। अच्छा वो बताएंगे आपको, मतलब हाँ मैम जैसे अगर फोन अगर वारंटी तो रहती है ना उसकी, ऑनलाइन वारंटी तो ऑनलाइन चालू होती है ना इसकी? वारंटी ऑनलाइन चालू होती है, वारंटी ऑनलाइन शो होती है, वारंटी ऑनलाइन दिखाती है। हाँ मगर वारंटी सर्विस सेंटर ही तो देगा आपको। हाँ वो आपको सर्विस सेंटर बताएगा, तो मतलब आप सर्विस सेंटर जाइए वही बताएंगे कि इसकी वारंटी होती नहीं होती। तो भैया मैं ना शोरूम से बाहर आ गया था और अब अपने घर को जा रहा हूँ। मेरे साथ ये पॉपअप हो गया अभी, जैसे कि उनसे मैंने बात करी ना शोरूम वालों से, तो शोरूम वालों से मैंने बोला कि मेरा 14 प्रो है 256 GB, तो मैं उसको एक्सचेंज करना चाहता हूँ, तो एक्सचेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो उन्होंने हो जाएगा। फिर मैंने उनको बताया कि मेरा जो फ़ोन है ना वो इंटरनेशनल वारंटी वाला फ़ोन है, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई आपका फ़ोन तो एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। यार ये कैसी पॉलिसी है, इंटरनेशनल आईफोन की इंटरनेशनल वारंटी होती है, तो वारंटी जब इंटरनेशनल मिल रही है तो एक्सचेंज वारंटी भी तो होनी चाहिए ना। कि आपने वहाँ से फ़ोन लिया, मतलब कहीं से भी बाहर से फ़ोन लिया, मेरा एक्चुअली जापान वर्जन का फ़ोन है मेरा, तो मिलना तो चाहिए था। वो बोल रहे हैं कि आपको ओरिजिनल बिल लेके ही मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो मेरे पास तो ओरिजिनल बिल अभी है नहीं, अगर होता तो मैं ले लेता उसको, एक्सचेंज कर लेता। तो यहाँ ना मेरा पूरा प्लान कैंसिल हो गया आईफोन 14 प्रो लेने का, और आईफोन 14 प्रो शायद अभी तो फिलहाल नहीं आएगा एक साल तक। अब जब इसके रेट कम बढ़ेंगे, जब इसके रेट कम होंगे अगले साल, तभी फ़ोन नया लिया जाएगा। और अभी इसी से काम चला लेंगे क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और आगे से हल्की सी नॉच और नोटिफिकेशन वाला जो बार है ना वो सारा एक छोटे से नोटिफिकेशन बार में ही कर दिया है, मतलब जहाँ पर उन्होंने नॉच कम करी ना वहीं पर सब कुछ कर दिया, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कैमरा लगभग दोनों का सेम ही है, 19-20 का फ़र्क है,
जैसे क्वालिटी मुझे सामने पता चल रही थी अभी, तो अभी तो कोई प्लान नहीं है लेने का। और इसका ही प्लान था, इसका कैंसिल हो गया। ये अपना क्या बेच रहा है, 13 प्रो बेच रहा है ना तू? 13 प्रो बेच रहा है, मैं नहीं लूंगा भाई, मेरे को जरूरत क्या है, मैं 14 प्रो चला रहा हूँ, 13 प्रो चला रहा हूँ, देखो 14 प्रो निकल रहा है मुँह से। तो फिलहाल तो कोई वो नहीं है प्लान। अब चलते हैं वापस अपने शॉप के तरफ। और ये पोपट जो है ना, बहुत बुरा लग रहा है। मेरा बड़ा मन था आज 14 प्रो घर लेके जाने का, लेकिन साला सपना ही खराब हो गया, पूरा ही नहीं हुआ सपने, क्या करें। और देखते हैं, अगर शाम तक कुछ घूमने का प्लान बनता तो घूमने का प्लान बनाते हैं आज। तो दोस्तों, मैंने आईफोन 14 ले लिया है, मैं उसी से फोटो खींच रहा हूँ। मैंने तो लिया, तूने ले लिया था बता। तो दोस्तों, ये आईफोन 14 प्रो, 14 नहीं 15 प्रो क्या भैया। तो आज ना हम आईफोन तो लेने जा रहे थे, लेकिन आईफोन लेने का कुछ हुआ नहीं। और अभी हम, मैं, विक्की और हमारे पार्थ भैया, हम लोग जा रहे हैं ऊपर नैनीताल रोड पे घूमने के लिए। और अभी फिलहाल हम हैं आपका कार्ड गोदाम के आसपास, और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, हमने सोचा क्या सैटरडे भी है तो घूमने के लिए चल देते हैं, इसलिए अभी हम जा रहे हैं आगे। देखो कहीं अच्छी से लोकेशन बैठ के भुट्टा मैगी कुछ खाते हैं। भैया क्या खिला रहे हो आज, क्या खिला रहे हो? खाने की विद्या खा कर ही होता है। बताओ अब, बताना क्या खिला रहे हो, आप क्या खिला रहे हो? मैगी ले गए खाना आप लोग, ठीक है ठीक है। और भुट्टा कितने खिला सकते हैं आज, पार्टी आपकी तरफ से? हाँ हाँ ठीक है, मना कब करिए आपको ये बताओ। वीडियो में मेरी तरफ से भी पार्टी होगी, पर बोलो वीडियो में वैसे आप पे कर दोगे ना। चलो आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है, पेमेंट कोई भी करे, देखो खुशियां मिलनी चाहिए हर किसी को, पेमेंट कोई भी करे। तो चलते हैं आगे। तो दीपदा के वहाँ जाते हैं आज, वहाँ मैगी वगैरह खाते हैं, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, नदी किनारे आपको मैगी खाने का मजा कुछ हो रहा है, वो भी इस मौसम में, उसका तो एक अलग ही अलग स्वैग है और एक्सपीरियंस है, जो भी कह लो। तो भैया तो पहले डर गए कि मेरा बिल कितना आएगा, क्योंकि इतनी सारी गाड़ी खड़ी ना। भैया बजट में ना बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ का, तो यही खाना पीना अच्छा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, भाइयों में प्यार होता है, झूठा पी सकते हो भैया उसका। ना ना ना, तू ये शर्मा रहा है, लड़की है क्या तू? ये भाई हमारे फेमस नहीं होना चाहते, ये जाते हम ही फेमस हो। अब हम शर्माते नहीं ना कैमरे के आगे, ये शर्माने लग गए, शर्मा हुए शर्माते हैं। अरे भाई हम शर्मा है, हम शर्माते नहीं है, हमें दान कीजिए, हमें दान दीजिए। वो फुवाजी कहते हैं सुकन्या नहीं मिल रही, यूट्यूब में कोई हो तो संपर्क करें, सुकन्या सारे सब्सक्राइबर से अनुरोध है, इंस्टा पे भी कर सकते कॉन्टेक्ट, और फॉलो करो, बातें करो। आजकल लड़कियाँ जॉगिंग कर रहे हैं। आपका दूरभाष नंबर? दूरभाष नंबर आपको 9999। सच में कर दी क्या अम्मा? अम्मा एक स्वैग वाला दिखा दो कुछ। ये भाई अम्मा तो बहुत मजेदार हैं, और इनके एक साइन ऐसा था जो हम दिखा नहीं सकते आपको। अब यहाँ से अब हम चलते हैं अपना आगे हल्द्वानी की तरफ, क्योंकि बारिश ना भी रुकी हुई है, थोड़ी देर में बारिश तेज़ हो जाएगी। तो भाई मौसम आज ऐसा ही है, सुहाना और बढ़िया, लेकिन अभी हमको चलना है यहाँ से हल्द्वानी के लिए। तो जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, और यहाँ तो जगह जगह पर कीचड़ हो रहा है। पहाड़ जो कितने प्यारे लग रहे हैं, बारिश में ना बादल इतने प्यारे लग रहे हैं सर, तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। और हमारा उत्तराखंड तो आप हरियाली से भरा है, जैसे लद्दाख में ना पत्थर पत्थर पेड़ थे, यहाँ आपको हर जगह हरियाली मिलेगी। तो ये प्यारा हमारा उत्तराखंड है, यहाँ घूमने के लिए आप कहीं भी जाओ, कहीं भी, मतलब आप उत्तराखंड में ना, आप काठगोदाम से ऊपर जाओगे कुमाऊँ में, तो आपको हर जगह एक सुंदर जगह दिखेगी। तो ऐसा कुछ सुंदर हमारा उत्तराखंड है। और जल्दी ही इस उत्तराखंड राइड में ना, अभी मैं एक उत्तराखंड राइड करने वाला हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे उत्तराखंड के लोकेशन में घूमने वाला हूँ। बीच में अभी मेरा गोवा का ट्रिप का भी प्लान जो था मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी राइडर मैनिया जो होना रहा है इवेंट, उसके लिए अपना रजिस्टर कर दिया है, आज मैंने सुबह रजिस्टर कर दिया था। तो जल्दी मेरा राइडर मैनिया का तैयारी भी हो जाएगी, तो और उत्तराखंड राइड भी रहेगी। तो ऐसा कुछ हमारा प्लान है, मतलब मेरा प्लान है, बाकी
अभी यहाँ तक अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करके जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।